नमस्कार, सुरागी लाल न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। पुष्प विहार कलोनी आवास विकास में एक बुजुर्ग ने की आत्महत्या। ऐसी गुड़िया आईएमटी के विद्यार्थियों ने किया नैनी पेपर लिमिटेड का औद्योगिक भ्रमण। एक अभियुक्त को कुंडा थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहुजन समाज पार्टी द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। कोतवाली पुलिस और सीपीओ टीम द्वारा रात्रि में चलाया गया कड़ा चेकिंग अभियान। हरियाणा में प्रतिभाग करने उत्तराखंड की टीम हुई रवाना। आवास विकास स्थित LIC रोड पर चला प्रशासन का बुलडोजर। महानगर अध्यक्ष मुशरफ हुसैन द्वारा वार्ड नंबर 40 में किया गया गोष्ठी का आयोजन। दुकान के बाहर लगा CCTV कैमरा हुआ चोरी। अब खबरें विस्तार से। तांडव जैन चौकी क्षेत्र में पुष्प विहार आवास विकास में एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक का नाम चंचल छाबड़ा है, जिसकी उम्र लगभग 66 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना के समय परिजन घर में नहीं थे। घटना की सूचना तब सामने आई जब आज सुबह घर में काम करने वाली महिला घर में साफ सफाई करने आई थी। वहीं घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसके द्वारा पड़ोसियों को इसकी सूचना दी गई। जब दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों द्वारा 112 पर सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर देखा तो मृतक चंचल छाबड़ा मृत अवस्था में बेड पर पड़े थे। वहीं मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज काशीपुर के BCom एवं BBA के विद्यार्थियों ने बीती 8 जून को मुरादाबाद रोड स्थित पेपर निर्माण करने वाले क्षेत्र की सबसे अग्रणी औद्योगिक इकाई नैनी पेपर्स लिमिटेड का औद्योगिक भ्रमण किया। आपको बता दें कि जानकारी देते हुए संस्थान की UG भाग की प्राचार्य डॉक्टर निमिषा अग्रवाल ने बताया कि संस्थान के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी आनंद सिंह एवं सिमरन सिटी के नेतृत्व में गए छात्र के दल को सर्वप्रथम कंपनी के प्रोसेस मैनेजर नरेंद्र कामल द्वारा प्लांट का भ्रमण कराया गया। साथ ही विद्यार्थियों को पेपर निर्माण की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए उसके प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एवं मार्केटिंग की संपूर्ण जानकारी देते हुए प्लांट में निर्मित होने वाले सभी प्रकार के कागज के समूह की जानकारी भी दी गई। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ DC द्वारा चलाए जा रहे अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान में कुंडा थाना पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर बीती रात KVR अस्पताल से आगे NH पर बने पुल के नीचे अंडरपास से गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके कब्जे से 1 अदद तमंचा 315, 2 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। काशीपुर तहसील कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार यूसुफ अली को सौंपा गया। आपको बता दें कि ज्ञापन में महाराष्ट्र के परभणी जिले के उखलाद गांव में 3 सिख बच्चों को भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 गंभीर रूप से घायल थे। ज्ञापन के माध्यम से भीड़ की अगुवाही कर रहे व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर जेल भेजने की मांग की गई है। पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर M.A. राहुल ने कहा कि आए दिन इस तरह की घटनाएं कभी दलित कभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ पूरे हिंदुस्तान में हो रही हैं। काशीपुर कोतवाली पुलिस और CPO टीम द्वारा संयुक्त रूप से रात्रि के समय कड़ा चेकिंग अभियान चलाया गया।
जिस दौरान बिना सत्यापन और आई कार्ड के ही रिक्शा पाए गए, वहीं उनकी चलानी कार्यवाही की गई है। वहीं सीपीओ प्रभारी जसवंत सिंह ने सभी जनमानस से अपील भी की है कि कोई भी व्यक्ति बिना सत्यापन और बिना आई कार्ड वाले ई रिक्शा में न बैठे। सीपीओ टीम और कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 46 चालान, एक ई रिक्शा और बुलेट मोटरसाइकिल को भी सीज किया गया है। आज हमने जो सत्यापन किए थे रिक्शों के, एक महीने से सत्यापन चल रहा था, उसी पे आज हमने चेकिंग करी। तो चेकिंग के दौरान जो है, जिन रिक्शों के द्वारा सत्यापन नहीं किया गया उनके चलानी कार्रवाई की गई और सीज की कार्रवाई की जा रही है। और मेरी जनता से अपील है कि जिन रिक्शों के सत्यापन ना हुए उनमें यात्रा ना करें, और जिन रिक्शा चालकों ने और मालिकों ने अपने रिक्शों का सत्यापन नहीं कराया, वो शीघ्र अपना सत्यापन कोतवाली में जाकर के ट्रैफिक कार्यालय में करवा लें। हरियाणा में होने वाली नॉर्थ इंडियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड की टीम रवाना हो गई है। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता 9 जून से 11 जून तक नरनौल हरियाणा में हरियाणा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से दूसरी बार आयोजित की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड स्टेट लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा खिलाड़ियों का चयन कर प्रतिभाग करने रवाना किया गया है। जनपद उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के निर्देशानुसार लगातार अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिस दौरान काशीपुर नगर निगम टीम और राजस्व टीम ने आवास विकास स्थित LIC रोड पर बुलडोजर से अवैध रूप से बने छोटी दुकानें और खोखों को ध्वस्त किया है। प्रशासन की ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कल एक अतिक्रमण अभियान चला था जो ज्वाइंटली चला था राजस्व विभाग नगर निगम के स्तर से। उद्देश्य ये था कि आवागमन में मार्गों पर जो अवरोध हैं उसको हटा दिया जाए, नालों पर जो अवरोध हैं उसको हटाया जाए। बड़ा अच्छा जनता ने उसमें रिस्पांस दिया है। लोग आके बता रहे हैं कि आपका आवास विकास क्षेत्र में लोगों ने स्वयं, उनके समझ में आया कि हम अगर मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं तो हटाना शुरू कर दिया। तो एक अच्छा संकेत है। 25-30 अवरोध कल हटाए गए थे। ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर, सरकार के आदेश पर ये प्रक्रिया आगे भी गतिमान रहेगी। आज हम वह क्षेत्र जो पुराना सब्जी मंडी, जहाँ पर एक बार आग लगी थी और वहाँ लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित हुए थे, बहुत ज़्यादा संख्या में प्रभावित हुए थे, उस एरिया में जिस समय आग लगी थी ये तय किया गया था कि कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, लेकिन वहाँ पर लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिए हैं। उसके संबंध में मुनादी करा रहे हैं। पहले भी हमने मुनादी करा के लोगों को बताया है, पहले भी उस स्थल पर जाकर के लोगों को समझाया है कि ये इतना सकरा क्षेत्र है, छोटे नीम पेड़ के पास का एरिया, वहाँ पर यदि आग लगेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस तरीके की संरचनाएं ना खड़ा करें जो कि स्थायी प्रकृति को हों, जो छोटे छोटे संख्या में अपने सामान का लेकर के लोग व्यापार करें। जिन लोगों ने अस्थाई संरचनाएं वहाँ पे बना दी हैं उनसे अनुरोध है कि वो हटा लें, अन्यथा जो है हमें मजबूर होकर के हटाने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। पापा ट्राई दिस। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन द्वारा लगातार वार्ड में जाकर मीटिंग की जा रही है। इसी क्रम में उनके द्वारा वार्ड नंबर 40 कचनाल गाजी में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही वार्ड के गठन को लेकर आपसी विचार विमर्श कर सर्वसमिति से वार्ड कमेटी का अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लाड़ी को चुना गया है। इसके साथ ही 10 दिन के भीतर वार्ड की पूरी कमेटी का गठन करने को कहा गया है। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र बांसपोड़ान में अज्ञात चोर एक दुकान के बाहर से लगे सीसीटीवी कैमरे चोरी कर ले गए। आपको बता दें कि मोहल्ला लिखा निवासी तनवीर अहमद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती 6 जून 2023 की रात चोर उसकी दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा तार समेत चोरी कर ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।